फिर वे किसी तरह अपने घर जाते हैं। जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि घर में तो गले तक पानी पहुंच गया है। रामपुर के जंगल में चिड़ियों का बसेरा हुआ करता था। चिड़ियां छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। अरे कहां जा रही हो गुड़िया? बाहर मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज तूफान आने वाला है, तुम अपने घर चली जाओ। आज मेरे बाबा दूसरे जंगल से बहुत सुंदर गुड़िया लाने वाले हैं, इसीलिए मैं उनका यही इंतजार कर रही हूँ। लेकिन बेटी मौसम बहुत खराब है, तुम्हारे बाबा जब आएंगे तब तुम उनसे गुड़िया ले लेना, लेकिन अभी तुम घर जाकर अपनी माँ के साथ रहो। वो बरसात का समय था। जंगल के सभी चिड़िया अपने अपने घरों के अंदर रहकर बारिश के आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ बाबा कब तक आएंगे? मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ, मेरी गुड़िया लेकर आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, वो जल्दी आ जाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर भी आएंगे, बस अब तुम शांत रहो। कुछ ही देर में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान चलने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूना बारिश में भीगते हुए घर आता है और आकर टूनी से कहता है, टूनी टूनी जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, नहीं तो हम इस जंगल में फंस जाएंगे। आज जंगल की राजा ने खबर पहुँचाई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ जी? हमारे पास तो इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है और न ही हमारे पास राशन बचा है। बाबा आप मेरे लिए शहर से गुड़िया लेकर आए हो ना? गुड़िया बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ, इसमें तुम अपनी सभी बातें लिख सकती हो। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ छमछम काका आ जाते हैं और उन्हें आवाज देते हुए कहते हैं, अरे टूना टूना, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर आओ। अरे हम सभी नदी के उस पार जा रहे हैं, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम अपने कीमती सामान लेकर हमारे साथ नदी के उस पार चलो भाई। लेकिन काका, हमारा गुजारा नदी के उस पार कैसे होगा, हम सब कैसे रहेंगे वहाँ पर? अरे तुम सब अपना कीमती सामान ले चलो भाई और राशन पानी भी अपने साथ ले चलो, नदी के उस पार जाकर ही हम सब की जान बच पाएगी, समझे? अगर बारिश के पानी से हमारे जंगल में बाढ़ आ गई तो ना ही हम लोग का घर बच पाएगा और ना ही हम लोग। टूना और टूनी अपना सारा कीमती सामान बांध लेते हैं। तभी गुड़िया अपने साथ अपने बाबा की लाई हुई किताब रख लेती है। गुड़िया बेटा ये किताब तुम मुझे दे दो, नहीं तो ये बारिश के पानी में भीग जाएगी। इसके बाद सभी जंगल के चिड़िया अपना जरूरी सामान लेकर नदी के उस पार जाते हैं। किसी ने अपने साथ गर्म कपड़े रखे तो किसी ने बचा हुआ खाना। नदी के तट पर सभी चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरे दो दिन बीतने के बाद ना तो राशन बचा था ना बारिश कम हुई, पानी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा, इसीलिए हमें स्वयं ही भगवान से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कोई उपाय निकल पाएगा। हे प्रभु हम पर कृपा करें, हमारे साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी है, कृपा करके हम सभी के प्राणों की रक्षा करें प्रभु। टूना की बात सुनकर भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट होते हैं। टूना मैं तुम सबको बचा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम सबकी मदद जरूर कर सकता हूँ। टूना तुम अपने बेटे के लिए जो किताब लाए हो उस किताब के कागज से तुम जितने भी नाव बनाओगे वो बड़ी हो जाएगी और उसमें रहकर ना ही तुम भीगोगे और ना ही वो नाव डूबेगी। जब पूरी तरह बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम्हें उस नाव से उतरना होगा क्योंकि वो नाव खत्म हो जाएगी। यह कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद टूना और गुड़िया ने मिलकर उस कागज के किताब से नाव बनाना शुरू किया और उसे पानी में उतार दिया। देखते ही देखते वो कागज की नाव बड़ी हो गई
फिर सभी अपने सारे सामान के साथ उसके अंदर बैठ गए। उस जादुई कागज के नाव में बैठकर कोई भी नहीं भीग रहा था। ये चमत्कार देखकर सभी हैरान थे। मीनू मौसी, मुझे तेज भूख लगी है, आपके पास कुछ है क्या? हे प्रभु, खाने का सारा सामान तो खत्म हो गया है, अब क्या करें? मेरे घर पर खाने का कुछ सामान रखा है, किसी तरह वहाँ पहुँच गए तो शायद कुछ दिनों काम चल जाएगा। हाँ काका, कुछ बिस्किट और नमकीन तो मेरे घर पर भी रखे हुए हैं, अब हमें किसी तरह वहाँ पहुँचना होगा। फिर वे किसी तरह अपने घर जाते हैं। जहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि घर में तो गले तक पानी पहुँच गया है। यहाँ तो गले तक पानी भरा हुआ है, मुझे तो लगता है सारा सामान खराब हो चुका होगा, अब वहाँ जाना बेकार है। नहीं, मैंने अपना सारा सामान घर की छत में टंकी में रखा हुआ है, तो मेरे घर में अभी भी खाने का सारा सामान मिल जाएगा। फिर छमछम चाचा और टूना उनके घर जाकर राशन ले लेते हैं। दोनों सारा राशन लेकर कागज के नाव तक पहुंचते हैं। उनके हाथों में राशन देखकर जंगल के चिड़िया बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, जो राशन मिल गया, अब हम कुछ दिन और नाव पर बिता सकते हैं। ऐसे ही 4 दिन और उनका नाव पर बीत जाता है। 5वें दिन बारिश बंद हो जाती है और तेज धूप खिलने लगती है। भोलेनाथ के बोले अनुसार नाव का आकार छोटा होने लगता है। सभी जल्दी से उस नाव से सामान लेकर उतर जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो नाव गायब हो जाती है। फिर सभी चिड़िया अपने अपने घर वापस आते हैं। अब उनके घरों का सारा पानी भी निकल चुका था। अब सब अपने अपने घरों में साफ सफाई करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलता हूँ टोनी, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही माँ और कुकु बेटी का ख्याल रखना है। ये सुनकर टूनी का मन भर आता है। तो वहीं टूना की छोटी सी बेटी उसे जाता देखकर डबडबी आंखों से बोली, बाबा बाबा, हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? तेरे पापा दूसरे जंगल जा रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा कर लौटेंगे कुकू। अच्छा माँ, चलता हूँ। जा रहा है मेरे लाल। जाऊंगा नहीं तो उस कालो सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा माँ? तू नहीं जानती मेरे दिल पर क्या बीतती है जब वो मेरे घर आकर मेरी माँ, पत्नी और छोटी सी बेटी को गालियाँ देता है। गरीब को कभी साहूकार ठगता है या कभी कर्जदार, उसे 1 के 10 वसूल कर उसे जीने नहीं देता। टूना का भी यही कहानी है। वह रामपुर के जंगल में अपनी माँ, पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी पुरानी टूटी फूटी मिट्टी के घर में दिन काट रहा था। जंगल में रहकर उसे दिन भर मेहनत करके भी उसे रोज के 50 रुपए ही मिल पाते थे, जिससे वे सब आधे पेट खाकर रहने को मजबूर थे। इसलिए हर गरीब की तरह कमाने के लिए टूना अपना घर छोड़कर चला गया। वहीं बच गई तो टूनी और उसकी सास और छोटी सी बेटी। जैसे तैसे ही कुछ महीने बीत गए, पर टूना का कोई खबर नहीं आया। अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। बारिश के कारण ठंड में चारों ओर कोहरा मचा था। हे राम, आज तो कितनी ठंड है, ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा और बारिश सीधे टूटे हुए हिस्से से घर में घुस रही है। दादी दादी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी कंबल में ले लो। ऐसा कहकर छोटी सी कुकू भी जोर जोर से कांप रही थी। आजा मेरी बच्ची, दादी के पास आ जा। इन दिनों रानू की बहू टूनी गर्भवती भी है, वो भी खड़े खड़े कपकपा रही थी। मगर कंबल की हालात ऐसी थी कि उसमें ज्यादा के लिए जगह भी नहीं थी। आज तो बारिश गजब ठंड आ रही है माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। बहू, तू भी कंबल में आ जा, तूने स्वेटर भी नहीं पहना है, तुझे ठंड लग रही है,
तो तेरे होने वाले बच्चे को भी ठंड लग सकती है। ऐसे में संभल कर रहना पड़ता है बेटी। अंधेरा होने को आया है, बारिश थम गई है, मैं लकड़ियाँ बीन कर ले आती हूँ, खाना भी तो बनाना है माँ जी। बेचारी टूनी कपकपाते हुए झोपड़े में से निकलकर लकड़ियाँ बीनने निकलती है। पूरे जंगल में शाम होते ही बारिश के कारण सभी तरफ कोहरा छाया हुआ था। तभी सर पर लकड़ी का बोझा लेकर लौटते वक्त टूनी ने पड़ोस में बड़ा आलीशान घर बनते देखा। हाँ, देखो ऊपर के घर पर डिजाइन बिल्कुल अलग होना चाहिए और बालकनी में अच्छे से लाइट भी अच्छे अच्छे कलर के भी होने चाहिए। गोरी का घर बनते देखकर टूनी अपने टूटे फूटे झोपड़ी को देखते हुए दुखी मन से कहती है, इन अमीरों के पास भगवान ने इतना धन दौलत दिया है जो हर साल घर को तुड़वा कर बनाते हैं, और हम गरीब लोग जिनके पास टूटी फूटी झोपड़ी की छत बनवाने के पैसे तो दूर, तो वक्त का खाने के दाने भी नहीं। तभी टूनी घर के आंगन में लगे केले के पेड़ को देखती है। इस केले के पेड़ पर तो फल आ गया है, क्यों ना इसी को तोड़कर आज सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी घर में एक भी सब्जी नहीं है, रोज रोज रूखी सूखी रोटी ही खाते हैं। टूनी केले के पेड़ से केले तोड़कर उसी की सब्जी रोटी बनाकर खिलाती है। अरे वाह माँ, ये केले की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है। अब मैं केले के पेड़ को रोज पानी दूंगी ताकि वो और फल दे, नहीं तो हमें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुकू की बात से दोनों सास बहू का दिल भर आता है, सब सो जाते हैं। पर गरीब टूनी और रानो को कहाँ पता था बारिश की रात उन पर आफत ढाने वाली थी। आधी रात तेज हवाओं के साथ जोरदार तूफान उठा और रात भर बारिश होने लगी, जिससे उनके मिट्टी का घर गलकर बहने लगा। टूटे हुए हिस्से से ठंड और बारिश का कहर गरीब टूनी के घर में घुसने लगा। टूनी और रानो का मन दुख से भर गया और वो ऊपर वाले को याद करने लगी। हे भगवान, कहाँ हो प्रभु, दया करो, ले दे कर इस ठंड के भीषण तूफान में, हमारे पास एक ही आसरा है, इसे भी छीन लोगे तो कहाँ जाएंगे हम। आखिरकार उनका मिट्टी का सालों पुराना घर बारिश में जगह जगह से बह गया। टूनी रानो उसकी बेटी रात भर बारिश के पानी में ठंड से ठिठुरती रही। तभी तूफान से केले के पत्ते टूटकर गिरे। माँ, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। क्या उड़ाऊँ मेरी बच्ची, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अजी, हम सबको छोड़कर क्यों कमाने चले गए, गए भी तो वहीं के होकर रह गए। तभी टूनी की नजर केले के पत्तों पर गई। तीनों केले के पत्तों को ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाता है। बहू, ये घर तो अब रहने लायक बचा भी नहीं है, अब इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जो दुख में हमारा साथ दे जाए या घर बनते तक हमें अपने घर में रख ले। टूनी ने केले के पेड़ को देखकर कुछ सोच कर कहा, माँ जी हम अपना घर बनाएंगे, पर बिना पैसे के हम सास बहू अपना घर कहाँ से बनाएंगे बहू। माँ जी, इस केले के पत्तों से हम अपना घर बनाएंगे, हमारा घर पूरी तरह से नहीं उजड़ा माँ जी, हम इस केले के पत्ते से फिर से इसे रहने लायक बनाएंगे। केले के पत्तों से घर बनाने का सुझाव रानो को पसंद आता है। इसके बाद टूनी केले के बड़े बड़े पत्तों को काट कर जमा करती है। बहू, इस केले के पत्तों से घर तब अच्छा बनेगा जब हम अपने मिट्टी के घर को गोबर से लीप कर मजबूत कर लें। ठंड में गोबर से घर गर्म भी रहेगा।
इसके अलावा हमें केले के थोड़े और पत्ते तोड़कर इकट्ठे करने पड़ेंगे। सिर्फ इतने पत्तों से बात नहीं बनेगी। अपने घर को मजबूत करने के लिए दोनों सास बहू उस कड़ाके की ठंड में जंगल में गोबर बीनती है और इधर उधर से गोबर ढूंढकर इकट्ठा करके उसको घोल बनाती है और घर में लीपना शुरू करती है। साथ ही टूनी केले के पत्तों के तलाश में निकलती है। जंगल से केले के पत्ते लाकर टूनी उससे घर बनाने में लगाती है। तभी टूनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे देखकर कुकू दौड़कर आती है। मामा तुम्हें क्या हो गया? माँ आंखें खोलो। दादी दादी जल्दी आओ, माँ को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। बहू आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? मैं ठीक हूँ माँ जी, हमें जल्दी से जल्दी घर को लीप कर केले के पत्ते के घर को पूरा करना होगा। आसमान का रंग बता रहा है आज फिर से बारिश होने वाली है। मैं भी आपकी मदद करूँगी माँ। आधा दिन लगाकर घर को गोबर से लीपकर दोनों सास बहू ठंड की मार सहकर मजबूती से गीली गोबर लेपकर केले के पत्ते चिपकाकर घर को पूरा कर लेती हैं। केले के पत्तों का घर बनकर तैयार होता है तो वहाँ बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। टूनी रोते हुए बोलती है, देखिए माँ जी बन गया, हमारा घर बन गया। हाँ बहू, अब हमें टूटे हुए घर में ठंड की मार सहनी नहीं पड़ेगी। चलो ना अंदर चलते हैं। जैसे ही सब अंदर आते हैं तो वहाँ बड़ी गर्माहट होती है। माँ ये केले के पत्ते वाला घर तो एकदम अमीरों के घर में लगे हीटर जैसा गर्माहट दे रहा है। माँ कहीं ये वाला घर भी पहले वाले घर की तरह टूट तो नहीं जाएगा? कुकू के सवाल पर टूनी उसे गले लगाकर कहती है, नहीं मेरी लाडो, ये घर नहीं टूटेगा और नहीं अब ठंड में हम बेघर होंगे। उस रात दोनों सास बहू और बच्ची पत्ते के घर में ठंड में बिना ठिठुरते खुशी खुशी सोते हैं। वहीं दोनों सास बहू जैसे तैसे काम ढूंढकर अपने घर का खर्चा चलाती है। तभी एक दिन टूना घर लौट आता है। उसे देखकर दोनों सास बहू की आंखें भर आती है। जी आ गए आप, कहाँ थे इतने महीनों से? आप जानते भी है आपके जाने के बाद हमें कितना सहा इस ठंड में, घर तक टूट गया था हमारा। टूनी मुझे माफ कर दो, अरे परिवार से दूर रहकर मैं भी खुश थोड़ी था, पर तुम लोग से दूर नहीं जाता तो कमा कर कैसे लाता? फिर कमाए हुए पैसे से कर्ज चुका कर टूना जंगल में ही किराने का दुकान खोल लेता है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।